मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय हिम सर। स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ की सीरीज स्टार्ट की है। नाइन्थ के दो वीडियो में बना चुका हूँ, आज हम इसका थर्ड वीडियो बना रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, कल जो इससे पहले हमने वीडियो में सीखा है, वो सीखा है हमने कि नंबर के बारे में हमने सीखा था और रेस नंबर के बीच में बाकी रेस नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने कल मेथड से सीखा था। अब आज जो हमारा जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज है वह है कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एक इम्पोर्टेंट, इसके लिए दो तीन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, या अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, इन नंबरों को अक्सर एग्जाम में लोकेट करने के लिए आता है। और बट इसमें जो मेन है वो इसे मैनेज की ड्राइंग, इसकी ड्राइंग रूल सही होनी चाहिए इसकी, और ये सारा बेस्ड होता है नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसका हर एक पॉइंट रियल नंबर को शो करता है। ऐसा ना, नंबर लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंट एज रियल नंबर। संख्या रेखा, इसको अंग्रेजी में संख्या रेखा, संख्या रेखा कहते हैं हिंदी में, संख्या रेखा जो होगी एक ऐसी क्षैतिज रेखा होगी जिसमें उसका हर एक बिंदु जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को रिनोट करेगा। अब देखिए, हम इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया है, देखिए कि लोकेट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर कैसे नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये देखिए हमने नंबर लाइन ले ली, ये देखिए। तो नंबर लाइन में हम एक ले लेते हैं ओरिजिन, हमने ओरिजिन ले लिया ओ। अब ओरिजिन ओ जो है ये हमारे दो काम करेगा, इसको ओरिजिन ओ भी कह सकते हो और जीरो भी कह सकते हो इसको। अब इसके नंबर लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट साइड वाले लेफ्ट प्लस के होते हैं, लेफ्ट साइड वाले माइनस के होते हैं। तो हमने दो पॉइंट ले लिए, वन टू, माइनस वन, ये नंबर लाइन, देखिए ये नंबर लाइन। अब देखिए, अंडर रूट टू हमें ड्रॉ करना है, तो पहले देखिए अंडर रूट टू कैसे बनता है। वो अंडर रूट टू के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इजी मेथड ये है, आप टू के ऐसे पार्ट कीजिए कि उनके स्क्वायर का सम टू आता हो। देखिए, जैसे अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू, मैं इसमें यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब इसमें जो वन हमने लिया है, ये वन को वन यूनिट मानते हैं, इसको जब आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे अपनी, तो इसको आप सेंटीमीटर में नोट कर सकते हैं, इंच में भी नोट कर सकते हैं, या अपने मन से कोई अलग से यूनिट ले सकते हैं। देखिए, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम जनरली इसको हम इंच में बनाएंगे तो आपका बेहतर बनेगा डायग्राम। तो देखिए, सर हमने जीरो ले लिया, देखिए तो जीरो हो गया। अब हम एक पॉइंट ले लेंगे ए, तो यहां से यहां तक ये हो गया वन यूनिट, ये वन यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, एक एंगल बनाएंगे जो ए पर जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा। आप उसे चाहे तो डायरेक्ट स्केल से खींच दें, और अगर 90 डिग्री बना सकते हैं अगर, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, 90 डिग्री एंगल आपको बनाकर दिखा दूंगा, देखिए कंपास की मदद से। देखिए देखिए, ए पर हमने कंपास रखा, देखिए ए पर कंपास रखा और हमने ये आर्क बनाया। देखिए, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, देखिए ये 60 डिग्री, इसके बाद ये 120 डिग्री, और ये यहां से बन गया 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन गया। देखिए, ऐसी आपको अपनी कॉपी ड्रॉ करना है। अब देखिए, इस तरह मैंने प्रोफाइल लाइन बना दी, देखिए ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल। आप क्या करेंगे, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर,
तो इसमें क्या कर देंगे, वन यूनिट इसमें कट कर देंगे। अब वन यूनिट कैसे कट हुआ देखिए, जितनी ये डिस्टेंस है देखिए ओ से ए तक, इतना ही मेजर करके ऊपर कट लगा दीजिए इसमें, ए से कट लगा दिया इसमें ऊपर को, ये इसे नाम दे दीजिए बी, इसे बी नाम दे दो। तो देखिए यहां से आधा वन यूनिट हो गया और यहां से यहां तक भी वन यूनिट हो गया। अब देखिए ओ से बी को ज्वाइन कीजिए, देखिए ये देखिए ओ से बी को ज्वाइन कर दिया मैंने। तो देखिए ये वन और ये वन, और देखिए पाइथागोरस थ्योरम से वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट टू, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट टू। लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, लोकेट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन, इट इज नॉट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर शो कैसे होगा, देखिए नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस है ओ से बी तक अंडर रूट टू, इसको अपने कंपास में ड्रॉ करेंगे। देखिए इसको मेजर करते हैं कंपास में हमने ओ से बी तक। अब देखिए बी पर कंपास की नोक रख करके हम एक आर्क लगाएंगे, ये देखिए ये हमने लगा दिया आर्क नीचे को, इस पॉइंट को मान लीजिए सी। अब देखिए ओ बी तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो हुई देखिए हमारी ओ सी, ये हमारे हो गए अंडर रूट टू। तो ऐसे अंडर रूट टू जो है ये लोकेट होता है, तो नंबर तो ये जो है रूट टू नंबर लाइन पर शो हो गया। देखिए ये भी रूट टू है, ये भी रूट टू है, तो हम कह सकते हैं देखिए कि ओ बी इजिकल टू ओ सी इजिकल टू अंडर रूट टू। देखिए स्टूडेंट अभी हमने सीखा अंडर रूट टू, अब मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूं, लोकेट अंडर रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। देखिए अंडर रूट थ्री को जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए अंडर रूट टू का होना कंपलसरी है, पहले इतना काम को आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, तब अंडर रूट थ्री बनेगा। कैसे देखिए, यहां देखिए, देखिए अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू टू प्लस वन इजिकल टू अंडर रूट थ्री। यानी रूट थ्री के लिए जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज अगर करेंगे तो हमारी एक एक हमारी जो एक लेंथ होगी अंडर रूट टू होगी, वन होगी। तो देखिए अंडर रूट टू बना चुके हैं, अब देखिए अंडर रूट थ्री कैसे बनता है। देखिए अंडर रूट थ्री बनाने के लिए यहां तक तो आपको करना ही करना है, अब क्या करेंगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ होगा देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बी पर हमने कंपास की नोक रखी, हमने बी पर कंपास की नोक रख के हमने ये आर्क लगाया, देखिए ऐसे। अब यहां स्टार्ट हुआ, देखिए फर्स्ट आर्क हमारा 60, सेकंड 120 और इसका हाफ 90। देखिए स्टूडेंट अब क्या कहेंगे, देखो बी से मैं इसको आय को ज्वाइन कर देता हूं, देखिए 90 जब बनता है ध्यान रखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल आपको आपसे अंदाजा जाएगा। देखिए 90 बन रहा, देखिए यहां पर ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, देखिए। तो देखिए ये ओ से बी तक हो गया रूट टू, हमें बनाना है रूट थ्री। तो देखिए हमें दो लेंथ लेनी है, रूट टू और वन। अब यहां से हम क्या करेंगे कि वन यूनिट को लेंथ कट करेंगे, जैसे पिछली बार किया था देखिए हमने। अब देखिए पी ए लेंथ नाप लीजिए, ये वन यूनिट है। अब देखिए अपने कंपास की नोक को हम बी पर रखते हैं, बी से एक आर्क लगाया हमने इधर, मान लीजिए पॉइंट हमारा हो गया सी, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट सी हो गया। तो बी से सी तक जो लेंथ है वो हमारी बनी गई वन यूनिट। अब बी से ओ से सी को ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ओ से सी को ज्वाइन कर दिया, देखिए मैंने ये देखिए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट थ्री। कैसे देखिए डबल में, देखिए रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन और टू और वन थ्री, ये रूट थ्री की वैल्यू निकल गई। फिर बात हो जाती है कि ये अंडर रूट थ्री
अभी नंबर लाइन पर नहीं आया है। तो नंबर लाइन पर करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर करने के लिए इसे हम दोबारा से अब ओसी जो लाइन है हमारी, इसको हम मेजर करेंगे अपने कंपास में। देखिए ओ पर कंपास की नोक रख के हमने सी पर रखा पेंसिल की नोक को हमने। अब देखिए सी से एक हम लगाएंगे, ये देखिए इवेंट शो को देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं हम डी। तो देखिए अब ओ से लेकर के डी तक ये हमारी वैल्यू हो गई अंडर रूट थ्री। देन वी से दैट ओ सी इजिकल टू ओ डी इजिकल टू अंडर रूट थ्री। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि मेन जो होता है वो ड्राइंग है, अभी ड्राइंग के नंबर में इसके कंस्ट्रक्शन के टर्म्स आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन टू मार्क्स का आता है, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। मेन थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम कैसे आता है हो रही है आप दिखा सकते हैं, और इसमें इसके बाद देखिए अब स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए लोकेट अंडर रूट हाइट ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए ये बाकी दो से डिफरेंट होगा, जैसे मैंने इससे पहले अंडर रूट थ्री बताया, अंडर रूट थ्री के लिए अंडर रूट टू कंपलसरी था, देखिए अंडर रूट फाइव के लिए ये पुराने वाले कंपलसरी नहीं है, इसको हम अलग मैट्रिक्स करेंगे। देखिए मैट्रिक्स शुरू हुई है, पहले आप ये देखिए कि फाइव के ऐसे पार्ट कीजिए जिनके स्क्वायर का सम फाइव होता हो। देखिए ये देखिए जैसे फाइव है, फाइव को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर फोर प्लस वन। देखिए या इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं इसका, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लेंथ लेनी पड़ेगी टू, एक लेनी पड़ेगी वन। अब देखिए तो देखिए ओ ही ओरिजिन और एज जीरो, अब जीरो से यहां तक की लेंथ टू हो गई। अब ए पॉइंट में इसे मान लेता हूं, तो ओ से लेकर के ए तक हमारी लेंथ हो गई टू यूनिट। अब हम लाएंगे वन, वन यूनिट हम लेना है, तो अब फिर ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। कभी कभी इसमें क्या नाम कहते हैं कि बिना 90 डिग्री बना के कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन 90 डिग्री अगर बना लो तो बहुत बेहतर रहता है। तो देखिए ए पर 90 डिग्री का एंगल, फिर वही देखिए ओपन किया इसे कंपास को, फर्स्ट जो आर कमा लगता है वो 60 डिग्री का होता है, सेकंड आर कमा लगता है 120 डिग्री का लगता है, और इसके ऊपर आर लगाया हमने, ये हमारा हुआ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा हुआ, अब देखिए इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री। तो देखिए यहां से यहां तक जो है वो 2 यूनिट है, अब हमें करना है इसका 1 यूनिट लेना है इसको। तो देखिए आप पूरे टेंशन दीजिए, अब 1 यूनिट को अपने कंपास मेजर कीजिए, ये देखिए हमारे मेजर हो गया। आप देखिए ए पर कंपास नोक रखिए और एक आग लगाइए, जहां ये कट हुआ इस पॉइंट को मान लीजिए बी, बी कट हो गया। अब ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई अंडर रूट फाइव। अब देखिए अंडर रूट फाइव हो गया, तो अंडर रूट फाइव जो है ये नंबर लाइन पर नहीं आया अभी। अब इसको अगर नंबर लाइन पर लाना है तो वही काम करना पड़ेगा पिछली बार वाला ही। अब ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है इसे हम यहां पर मेजर करते हैं ओ बी पर, और बी से एक हमने कट लगाया, तो देखिए ओ से लेकर के यहां तक डिस्टेंस इसको मानता हूं जैसे सी, ये हो गया अंडर रूट फाइव। यानी हम कह सकते हैं कि ओ बी इजिकल टू ओ सी इजिकल टू अंडर रूट फाइव। और देखिए वैल्यू एक एक्जेक्ट आती है, देखिए अंडर रूट फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 2.23 के आसपास निकल जाती है अप्रोक्सीमेटली।
अब अगर इस आप से इसके से मिल करेंगे तो यहाँ से ओसले की सी तक या ओसले की पी तक ऊपर पुथरी आएगी। तो देखिए मैंने कुछ आपको करने तीन नंबर आपको बताए रूट टू रूट थ्री रूट फाइव और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आता है। तो देखिए तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बनाने के लिए आप अपने अपने वीडियो को पॉज करके आप स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन कॉपी में कर सकते हैं और इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल का नाम हमारा इजी मैथ्स बाय हिम सर, उसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्या होगा कि जो मैं नाइन्थ का नई वीडियो बनाऊंगा उससे आपको करना है इसमें तो ऑटोमेटिकली आप उसके जो है उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।